मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 23 सितंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। दोपहर 12:18 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों मूल नक्षत्र है। दोपहर 2:56 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सौभाग्य योग है। रात 9:30 के बाद शोभन योग शुरू होगा। करण दोस्तों गौकरण है। दोपहर 12:18 के बाद बालव करण शुरू होगा और रात 11:26 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:29 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:33 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, अक्षत और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लें दोस्तों और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हरिओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानस अद्य ब्रह्म द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग के महाराष्ट्र देश है। व्यापारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी सवसरणों में शोभन नाम सवसरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे मूल नक्षत्र सौभाग्य योगे गोकर्णे अष्टमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोमो पात दुर्गतोषेण श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिषे एवं इष्टलिंग पूजा करिषे। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की कार्य काल मर्यादा जो है वो दोपहर 12:18 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर बदले हुए पंचांग का सहारा ले दोस्तों। तब जाकर आपका ये संकल्प पूरा होगा दोस्तों। दोस्तों, अब हम मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त है 17 तारीख 23 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों 17 तारीख 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त जो है दोस्तों 17 तारीख 24 26 27। मुंडन तथा जुड़ा कर्म करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों 17 तारीख 27। गृह प्रवेश करने के लिए 17 तारीख 23 और 27 दो मुहूर्त है दोस्तों। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों कोई मुहूर्त नहीं है।
सीधा जाकर माघ मास में है। शादी ब्याह के लिए भी कार्तिक मास में मुहूर्त है। वास्तु शांति के लिए भी कार्तिक मास में मुहूर्त है। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए भी कार्तिक मास में मुहूर्त है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो एक ही मुहूर्त है दोस्तों, सितंबर तारीख 27। लेकिन इसमें आप केवल शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते घर पर या मंदिर में दोस्तों, पंडित के माध्यम से। अगर घर पर करते हो तो उसको कुछ नियम है, और नियमों का पालन आपको करना जरूरी है दोस्तों, तब जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों इस ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करेंगे तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी है। अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं दुर्गाष्टमी का हर महीने में, तो आप नियमों में रहकर दुर्गाष्टमी का ये जो व्रताचरण है वो करें दोस्तों। घर में कुल देवी का भी पूजन करें षोडोपचार, और मंदिर में जाकर दुर्गा माता के मंदिर में जाकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको कुछ भेंट दे सकते हैं दोस्तों। गौरी विसर्जन है दोस्तों, क्योंकि आज तीसरा दिन है गौरी आए हुए को, तो यह जो मुहूर्त है सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है दोस्तों, क्योंकि 3 बजे के बाद ही, उसके पहले ही 4 मिनट पहले ही तिथि खत्म नक्षत्र जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। और सुबह 10:30 बजे के पहले 9 से 10:30 बजे तक राहु का है दोस्तों, इसके लिए ये मुहूर्त है दोस्तों। 9वें श्राद्ध कर्म भी ये है दोस्तों, अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर इस तिथि पर परलोक सिधार गए हैं तो कृपा करके उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना है घर पर अपराह्न काल में पंडित के माध्यम से दोस्तों, तब जाकर आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा दोस्तों। दग्ध योग है दोस्तों, 12:18 के बाद इस काल में अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी शांति करनी होती है 12वें दिन, अन्यथा आगे जाकर उसका मुहूर्त निकालना पड़ता है दोस्तों। भागवत सप्ताह आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों आज से आने वाले शुक्रवार तक। 7 दिन का सप्ताह होता है दोस्तों, इसमें आपको इस भागवत श्रीमद् भागवत का पारायण आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पारायण करते समय ध्यान रखें दोस्तों कि उसमें क्या धर्माचरण दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली पढ़ते रहेंगे लाइन तो नहीं चलेगा दोस्तों, कुछ काम करने लगेगा। उसमें क्या दिया है क्या नहीं वो हमें ग्रहण करना है दोस्तों, और वो आचरण में हमारे उतारना है, तब जाकर ये हमारा भागवत सप्ताह जो वो फलदायी होगा दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 12:18 तक ही है, उसके बाद नहीं है। अगर आपको कोई नया नया कर्मकांड करना है तो ये समय तक, इस समय तक आप कर सकते हैं, 12:18 तक रेगुलर है वो, कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 9 से 10:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम रुक जाता है तो उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि ऐसी पूजा जो होती है वो संबंधित देवता तक पहुंचती है और संबंधित देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांड के कर्ता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।